असलम नाज्रीन आपको ईद मुबारक हो बहुत बहुत नसीम ज़रा पाकिस्तान की टीम की तरफ से और हमारी तरफ़ से खुदा करे आपकी ईद अच्छी गुजर रही हो आपकी और आपके तमाम रहने वालों की और खुदा करे ये मुल्क के लिए भी अच्छे ही दिन साबित हो नाजन हमने आज एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो इस मुल्क के बारे में बहुत सोचते हैं जो कि कुछ बरस बरस पहले वापस पाकिस्तान लौटे उन्होंने कुछ दहाइयाँ गुजारी यू में और वहाँ उन्होंने सियासत भी की यहाँ पाकिस्तान वापस आए पहले नवाज शरीफ साहब उनको कह कर के वापस लाए बड़ी उनसे कुर्बत इनकी रही है उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ साहब को छोड़ा पी एम एल एन को छोड़ा और पी टी आई में गए जब ये पी टी आई में थे तो शुरू में तो ठीक था खुश थे उसके बाद फिर हम इनसे सुनते रहते थे ज़ाती तौर पर ये काफ़ी तनकीद करते थे इनका ये कहते थे मेरा ऑब्जेक्टिव सोशल चेंज है और सोशल डेवलपमेंट है लेकिन हम कहाँ फंस गए फिर वो आपको मालूम है बहुत से अंदर व्हील्स विद इन व्हील्स थे और फिर इन्होंने वो भी पार्टी छोड़ दी हम बात कर रहे हैं फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब मोहम्मद सरवर साहब की बहुत शुक्रिया वॉम वेलकम टू द शो चौधरी साहब और नाजिन आज चौधरी साहब जो हैं वो अब पंजाब के प्रेजिडेंट हैं पी के और चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पी एम एल क्यू के चौधरी साहब आप, आपने वक्त निकाला हमें वक्त दिया आपकी मेहरबानी ये फरमा दीजिएगा कि आज कल दुबई में काफी अहम मीटिंग्स हो रही हैं तो क्या आपकी पार्टी जो है आप, उस मीटिंग से मीटिंग से बिल्कुल बाहर है सबसे पहले तो मैं भी अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को बहनों को और दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ और हम सब अल्लाह ताला से तुआगो हैं कि आज उम्मा और ख़ासकर पाकिस्तान जिन मुश्किल से गुजर रहा है अल्लाह ताला हमारी इसमें मदद और रहनुमाई फरमाए और पेलस्तिन और कश्मीर में जो लोग आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको उसमें कामयाबी ताफ़ जहाँ तक दुबई ए, मीटिंग्स का तल्लक है तो उसमें हमारा कोई भी रिप्रेज़ेंटेटिव जो है पाकिस्तान मुस्लिम क्यू का उसमें शामिल जो है वो नहीं है और ना ही हमें इल्म है कि वहाँ मीटिंग्स का एजेंडा जो है वो क्या है सिर्फ ए, टेलीविज़न पे और अखबार में और सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन हैं लेकिन हमारी जमात वहाँ पर इन नगोशिएशन में जो है वो शामिल नहीं है क्यों जी आप इत्तेहादी तो हैं और ये आप हैं और आगे आने वाले दिनों में यकीनी तौर पे आपकी पार्टी का एक रोल रहेगा और वहाँ क्यों यू बीन लेफ्ट आउट नहीं हम मेरे ख्याल में लेफ्ट आउट नहीं क्योंकि हमारे जो हैं फेडरल दो मिनिस्टर हैं तारक बशीर चीमा साहब और सालक हुसैन साहब और जो भी पीडीएम के अंदर चीज़ें हैं वो इनको देखते हैं तो मेरे ख्याल में वो बेहतर इस इशू पे रोशनी जो है वो डाल सकते हैं क्योंकि मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है जी। आ, पार्टी मुस्लिम लीग में आने का वो तो पार्टी की तंजीम साजी करना है पार्टी को एक अदारा बनाना है और अल्लाह ताला के करम से चंद हफ्तों में मुझे बहुत बड़ी इसमें कामयाबी भी हुई है आपने देखा होगा कि हमने दो यूथ कन्वेंशन किए हैं जिसमें हमारे हज़ारों यूथ जो हैं बड़े जोश और खरोश के साथ उन कन्वेंशन में शामिल हुए हैं फिर उसके बाद हमने एक मनारटीज़ का कन्वेंशन किया है उसमें भी बड़ी तादाद में और सबसे खुशी की बात यह है कि इवन जो मनार्टी कम्यूनिटीज़ के यूथ था वो तकरीबन 80 परसेंट उन कंसवेंशन में यूथ था तो इसके अलावा लायर्स लॉयर्स फोरम हमारा माशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है और फिर सबसे अहम बात यह है कि हमारी पार्टी में जो लोग डिसूशन हैं जो जिनकी उम्मीदें जो हैं वो बदकिस्मती से और ख़्वाब टूट गए हैं वो नौजवान और दूसरी पार्टियों के लोग जो हैं हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं हमारी पार्टी में जमात इस्लामी के लोग आए हैं हमारी पार्टी में पीपल्स पार्टी के लोग आए हैं हमारी पार्टी में मुस्लिम लीग नून के लोग आ रहे हैं हमारी पार्टी में तहरीक इंसाफ़ के, के लोग जो हैं वो आ रहे हैं और जो मेरा मंशा है कि मैं एक जमहूरी पार्टी बनाना चाहता हूँ और तंजीम साजी करना चाहता हूँ जिस तरीके से यूरोप में जमातें जो हैं वहाँ पर बादशाहत नहीं है सियासी जमातें हैं और वहाँ पर मशावरत होती है इलेक्शन होते हैं पार्टियों में जमहूरीत है तो ये एक मेरा ख़्वाब है और ये मेरा ख्वाब पिछले दस साल से है जिसमें मैं चाहता हूँ कि जो हमारे कारकुन हैं वर्कर्स हैं उनको इज्जत भी मिलनी चाहिए और उनको जो फैसला साजी है उसमें भी शमूलियत जो है वो इख्तियार करनी चाहिए कल हमारे साथ माशाल्लाह खैबर पखतून खास से मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब खान चमकनी जो हैं वो अपने दर्जनों साथियों के साथ हमारे साथ शामिल हुए हैं और फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है के पी के में उसके सदर और रीजनल सदूर जो हैं वो भी हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन थी जो सोच थी उसके मुताबिक हम पार्टी जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं जी अच्छा बड़ी आपने दिलचस्प बातें कहीं ठीक है बिल्कुल आपके परस्पेक्टिव से इसी तरह से आप देख रहे हैं आपने कहा कि ये हम जमहूरी पार्टीज़ को बनाएंगे लेकिन यकीनी तौर पे जो चौधरी फैमिली है वो इसको वो तो और आप भी चौधरी हैं लेकिन फैमिली वो है जो कि डोमिनेट करती रही है इस पार्टी को और अभी भी जो चौधरी परवेज़ इलाही के पास गए उनको मिलने मेरा ख़्याल है आप उस मीटिंग में तो नहीं थे और चौधरी शुजात ने और चौधरी हुसैन ने उनसे कहा कि आप वापस लौट रहे हैं पार्टी में तो एक तो खैर ये कि द पार्टी इज़ ऑब्वियसली डोमिनेटेड बाय वन फैमिली आप इससे तो इनकार नहीं करेंगे जैसे कि तमाम पार्टीज़ पाकिस्तान पार्टी 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 में डोमिनेटेड हैं पाकिस्तान की नहीं थी लेकिन बाकी तो थी डोमिनेटेड हैं बी इनफैक्ट लेकिन वो भी पार्टी फैमिली की डोमिनेशन नहीं थी लेकिन वहाँ पर भी जो था वो आपको मालूम है कि वही डिसीजन जो थे जिनमें मशावरत नहीं थी उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नुकसान पहुँचा गुड गवर्नेंस जो है वो भी नहीं दी जा सकी और फिर आज पार्टी का वर्कर जो है पार्टी की जो लीडरशिप है वो बहुत परेशानी के आलम में है और मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि लीडर जो हैं उनको रिफ्लेक्ट ज़रूर करना चाहिए कि मैंने कौन सी फैसले किए जो मेरे दुरुस्त थे कौन से फ़ैसले जो थे मेरे गलत थे ताकि आइंदा ग़लती ना हो लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारे लीडर जो हैं वो समझते हैं कि हम अकल कुल हैं और वो अपने जो डिसीजंस गलत होते हैं उन पे रिफ्लेक्ट नहीं करते और फिर जो लोग उनको मशवरा देते हैं कि किसका मशवरा सही था किसका मशवरा गलत है तो ये चीज़ें ना होने की वजह से पार्टियों को भी नुकसान होता है और उसका जी तो आ, मुल्क आपने, को भी जी, नुकसान तो होता आपने है मैं एक साथ ब्रीफली नसीम जरूर देना चाहूँगा कि देखें तमाम पार्टी जो थी पार्टी के जितने भी वर्कर्स थे पार्टी की पंजाब में जितनी भी लीडरशिप थी हमारे जितने भी फेडरल मिनिस्टर थे मैं एक फेडरल मिनिस्टर को नहीं जानता जो बुजदार साहब की पंजाब में कारदगी से खुश थे सारी पार्टी एक तरफ थी लेकिन खान साहब जिद थे कि नहीं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो काम ऐसा इनविजिबल था जो कि सिर्फ पार्टी के लीडर को नजर आता था बाकी पार्टी को नज़र नहीं आता था उसके बाद सारी पार्टी इस बात के ख़िलाफ़ थी कि नेशनल असम्बली से इस्तीफे ना दिए जाएं पंजाब असम्बली को ना तोड़ा जाए के पी के असम्बली को ना तोड़ा जाए तो उन गलत फ़ैसलों की वजह से और बयानी की वजह से पार्टी को नाकाबले तलाफी फरमाया कहने की बात यह है कि देखिये हर तरह की हम तनकीद करते हैं मुख्तलिफ पार्टीज की जो कि जरूरी होती है करना लेकिन ये भी तो आप फरमाइएगा कि जब लोग पार्टी के अंदर बैठे होते हैं और दे आर क्लोज टू पावर और इंजॉइंग पावर उस वक्त तो वो उठ के नहीं निकलते मुझे मालूम है आपने छोड़ी पार्टी लेकिन जनरली आप देखिएगा आप फरमा रहे हैं कि कोई फेडरल मिनिस्टर खुश नहीं था कोई ये नहीं था लेकिन सब बैठे तो रहे कुर्सी पे देखें ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि मुझे तो इस बात पे बड़ा फख्र है कि मैंने मुस्लिम लीग नून को भी उस वक्त छोड़ा जबकि उनकी जो थी पूरी मुल्क पे और पंजाब पे ग्रस्त थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई और पार्टी जो है वो बरसर इकतदार जो है वो आ सकती है या मुस्लिम लीग नून को पंजाब में शकस्त जो है वो दी जा सकती है उसके बाद जहाँ तक पी टी आई का तलक है उस वक़्त भी जितने लोग भी मेरे क्लोज हैं वो सब जानते हैं कि मैं पार्टी की जो पॉलिसियाँ हैं जो गवर्नेंस है या जो विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स है वो से मैं खुश नहीं था लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जब आप हुकूमत में होते हैं पावर होती है तो उस पावर में आप इतने अंधे हो जाते हैं कि आपको फिर कोई असूल कोई जबता कोई अखलाक जो है वो नज़र नहीं आता फिर आप अपनी अपोजिशन को दबाने के चक्कर में होते हैं तो जब फिर अपोजिशन में आते हैं तो फिर आप ने जो किया होता है फिर उसको भुगतना पड़ता है तो मैं तो हमेशा यही पीडीएम वालों से भी कहता हूं उस वक्त पीटीए वालों से भी कहता था कि देखें हुकूमत का काम जो है वो गुड गवर्नेंस गुण देना है और अदारों का काम है कि वो अकाउंटेबिलिटी करें वो किसी को जेल में भेजें या किसी को जो है खिलाफ एक्शन लें।, लें लेकिन चूँकि पूरी दुनिया में जब आप इकतदार में होते हैं तो अदारे जो हैं वो आपके मती नहीं होते अदारे इंडिपेंडेंट होते हैं अदारे जो हैं हुकूमत में कोई करप्शन करे उस पर भी हाथ डालते हैं अपोजिशन पर डालते हैं लेकिन पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज जो बंदे कर रहे होते हैं तफ्तीश एक शख्स की उसको ये नहीं पता कि कल यही मेरा बास बन जाएगा और फिर जब जब जी वो ये तो एक अन अन एंडिंग साइकिल है जी वो एक बड़े वो तो हमारी कुछ बहुत डीप बीमारियां हैं डिजीजेस हैं उस पर बात करेंगे ये मैं आपसे पूछ रही थी कि चौधरी फैमिली जो है वो इसको डोमिनेट करती हैं पीएमएलक्यू को तो दिस इज आफ्टर ऑल ऑल्सो नॉट जस्ट अ डेमोक्रेटिक पार्टी देखें मैं आपको यही बात अभी जवाब देना था लेकिन हम दूसरे सवाल पे चले गए देखें अगर एक फैमिली डोमिनेट कर रही होती तो मैं जो है उनकी फैमिली से मेरा ताल्लुक नहीं है लेकिन चौह श साहब से और परवेज़ अल्ही साहब से मेरे बहुत पुराने ताल्क हैं और कई दहाइयों से हमारे जो हैं वो ताल्क हैं तो फिर वो मुझे चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान कैसे बना देते और पंजाब का सदर जो है वो मुझे बना दिया तो ये तो मेरा ख़्याल है चौधरी शुजात हुसैन ने अमल करके दिखाया है कि वो अपने ख़ानदान से बाहर जो है वो किसी को प्रेसिडेंट के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं और चीफ आर्गनाइज़र के लिए भी सपोर्ट किए हैं और फिर एक डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया गया कि वहाँ पर जो हमारी काउंसिल के सेंट्रल काउंसिल के, के रुकन थे पंजाब काउंसिल के रुकन थे उनको बड़ी तादाद में यहाँ पर बुलाया गया और उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने मुझे पंजाब का सदर मुंतखब किया और चीफ ऑर्गेनाइजर जो है मुंतखिल किया विच इज डेमोक्रेटिक नॉम ऑफ एनी पोलिटिकल पार्टी अच्छा ये चौधरी परवेज लाही <laughs> आप देखिए ये कहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है चूंकि ये फैमिली इशू है लेकिन अभी तक कोई ऐसी डिस्कशन जो है वो चौधरी शुजात साहब से या सालक साहब से या तारक बशीर चीमा साहब से नहीं हुई है जिसमें उन्होंने अंदिया दिया हो कि चौधरी परवेज परवेजलाई हमारी पार्टी में आना चाहते हैं या हम उनको लेके आना चाहते हैं इस बात पे अभी कोई हमारी जो है डिस्कशन जो है वो नहीं हुई है अच्छा ये खबरें तो आप फिर फरमा रहे हैं कि ये गलत है ख़बरें जो अखबार में आई कि जी चौधरी शुजात और सालिक हुसैन साहब गए जब परवेज़ लाही से मिलने तो उन्होंने कहा आप पार्टी में वापस आए सो ये बात दुरुस्त नहीं है जी आपको पता नहीं है देखिए मेरे ख्याल में मैं इस पर कॉमेंट जो है वो नहीं करना चाहता इसका जवाब जो है वो बेहतर चौधरी शिजाज साहब और सालक हुसैन साहब दे सकते हैं सर आप पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं यू आर नॉट आई मीन यू आर मेन पर्सन तो कोई जी इस बारे में मेरी देखे मैंने 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 आपसे अर्ज किया कि इस बारे में मेरी कोई डिस्कशन जो है वो नहीं हुई अच्छा, है और सबसे अहम बात ये है कि मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है जी कि जो फैमिली इश्यूज हैं वो फैमिली के अंदर हल होना चाहिए और मैं नहीं चाहता कि मैं चाहता हूँ कि इस बारे में जो भी फैसला करना है वो चौधरी हुसैन साहब शुजा साहब और उनकी फैमिली जो है जो भी फैसला करेगी मैं उनका फैसला जो है उसकी तयद करूंगा जी तो ये जो कुछ इधर उधर चय गोईया हो रही थी कि आप आ, का ये एक फीलिंग है आपसे ये इस बात को नती किया जा रहा था कि भाई यू आर नॉट वेरी कीन कि वो वापस आए क्योंकि आपकी स्पेस कम होगी लेकिन आप <laughs> फरमा रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, है। नहीं, नहीं मैं। नहीं नहीं मुझे कोई किसी किस्म का इस बारे में मैं समझता हूँ कि मैं तो फैमिलियों को जोड़ने पे बिलीव करता हूँ उनको तोड़ने पे बिलीव नहीं करता बेशक और परवेज़ इलाही साहब का जो अब ये रिश्तेदारी से हट करके ये जो परवेज़ इलाही साहब की जो प्रेजिडेंटशिप है पीटीआई की और जो उन्होंने पॉलिटिक्स किए पिछले चार छः महीनों में एज अ पॉलिटिशियन वन पॉलिटिशियन लुकिंग एट अनदर पॉलिटिशन आप क्या कहेंगे जी देखें जी ये तो आ, सब लोगों का अपना आ, फैसला होता है तो मैंने अपना फ़ैसला किया कि मैं आ, जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ा जबकि मेरे भी उनके बहुत ही अच्छे तलक थे सिर्फ इस सोच में कि हमने नया पाकिस्तान बनाना है हमने क़ायद आज़म का पाकिस्तान बनाना है हमने गुरबत का खात्मा करना है हमने इंसाफ का निज़ाम लाना है तो बहुत से ख्वाब थे आ, तो उन ख्वाबों को देख के मैं उधर गया उसके बाद मैं इधर आया हूँ तो ये फैसले जो हैं इंडिविजुअल के होते हैं और, का और, का है और मैं उनके फैसलों की आप कह रहे हैं आप ख्वाब देख के इधर से इधर गए थे शायद उन्होंने भी कोई ख्वाब देखा हो वहाँ जाने के लिए ठीक है जी अब ब्रेक लेते हैं बाद वापस आएंगे और हम चौधरी सरवर साहब से गुफ्तु जारी रखेंगे वेलकम बाजीन हमारे साथ फॉर्मर गवर्नर पंजाब एंड करंटली चीफ ऑफ ऑर्गेनाइजर पीएमएलक्यू पंजाब पीएमएलक्यू के प्रेसिडेंट चौधरी मोहम्मद सरवर साहब तशरीफ रखते हैं चौधरी साहब ये बताइएगा कि आपकी एक स्टेटमेंट है कि जो में पाकिस्तान पार्टी है जहांगीर तरीन की आपने ये फरमाया कि ये जो पार्टी है ये लंदन में बनी है लंदन की मर्जी की वजह से बनी है थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा इस पे प्लीज देखिए मैंने एक बात जो है वो कही थी और मेरे ख्याल में जस भी मैं इंटरव्यू में जाता हूँ उसी में यही सवाल उठता है मेरी देखें मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ जी और चीज़ें जो हैं उनको असेस करता हूँ और मेरी असेसमेंट है कि ये पार्टी जो है लंदन की मर्जी से बनी है अच्छा तो लंदन जी 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 लंदन में तो वो लंदन के रहते हैं लंदन में नवाज शरीफ साहब भी रहते हैं तो आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं देखिए मैं इशारा किसी की तरफ भी नहीं कर रहा लंदन में तो अल्ताफ साहन साहब भी हैं लंदन में हमारे ब्रिटानिया के जो बादशाह हैं किंग हैं चार्लस भी हैं तो ये तो कोई भी किसी भी वो भी कॉमनवेल्थ के हेड हैं तो किसी से भी मुशावरत हो सकती है अच्छा अच्छा ये तो आपने बहुत एक ओरिजिनल बात फरमा दी कि हो सकता है कि किंग चार्ल से मुशावरत करके आए हो चलिए ये तो बहुत खूब आपने फरमाया तो ये जो लंदन से मुशावरत की है इन्होंने तो इसका मतलब कि इनका इस पार्टी का ताल्लुक से नहीं है पाकिस्तान की नहीं मैंने ये नहीं कहा कि पार्टी का ताल्लुक से है या नहीं है नहीं हम पूछ रहे आप तो हैं आपसे कि जी नहीं ये बात कही है मैंने कहा उनकी मुशावरत मिशावर, में तो कई लोग शामिल हो सकते हैं ना नसीम मैंने देखिये मैं जो बात नहीं कही मैंने ना ये कहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने पार्टी बनाई है ना मैं ये देखिए मैंने तो किसी मौके पे नहीं कहा, कि आपने ये कहा है। लेकिन आप फरमा रहे हैं कि आप बड़े करीब से चीजों को देखते हैं आप इनके बारे में सोचते हैं तो पाकिस्तान की सियासत को जानते हुए और ये तमाम जिस तरीके से 2017-18 में रोल रहा इस्टेब्लिशमेंट का तो और जहांगीर तरीन साहब आए और अब उन्होंने पार्टी बनाई तो हम पूछ रहे हैं कि भी इसमें तो रोल हो सकता है ना जी कई कई सवालों पे खामोश रहना ही बेहतर होता है अच्छा चलें जी, आपने किंग चार्ल्स को क्रेडिट क्रेडिट दे दिया है लेकिन आ, लेकिन आप इधर नहीं देना चाह रहे इनको ठीक है जी अच्छा तो ये अब थोड़ा सा चलते हैं कि ये हम आने वाले दिनों में क्या देखेंगे जी ये एक पंजाब में डेंट ये डालेगी जो पार्टी किंग चार्ल्स ने बनवाई है शायद उन्होंने बनवाई हो आईपीपी। देखें जी अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है लेकिन जो मैं जानता हूं जितना के पंजाब के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को जब आप कोई भी पार्टी या कोई भी शख्स मुश्किल में होता है जी तो उस वक्त जब लोग पार्टी को या अपने किसी दोस्त को भी हम तो कहते हैं कि जी दोस्ती वो है जो मुश्किल वक़्त में शक, साथ खड़ा बे हो बे शक, बे शक। तो ये एक हमारी पंजाबियों की एक बड़ी बात है कि ये कहते हैं कि भाई है जड़ा हुआ जड़ा मुश्किल वक़्त खलो खुल तो मैं समझता हूँ कि अभी इसका रिएक्शन जो है वो अभी आना है कि मासेज जो है वो क्या कहते हैं क्या वो और उसमें मेरा अपना जो सोच है और एक सियासी सोच है कि आप एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी मैं पार्टी छोड़ रहा हूं और फिर ये कह रहे हैं कि मैं सियासत भी छोड़ रहा हूं फिर आप ये कहते हैं कि मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूं फिर चंद दिन बाद आप किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो मेरे ख़्याल में जब लोगों ने पार्टी छोड़ी तो उस वक्त एलेक्ट्रेड जो है उनका ख्याल था कि पार्टी जो है चूँकि इनके लिए शायद कोई मुश्किल होंगी कई मुश्किल होते हैं चीज़ें जिनको बेयर करना आसान नहीं होता तो जब आप दूसरी पार्टी में जाते हैं तो फिर मेरे अपने ख्याल में लोगों का रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा वो नेगेटिव होगा जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया जो बज़ाहिर लगता है जो बात करें लोगों से कुछ जो इनिशियल रीडिंग लोग अपनी अपनी देते हैं मुख्तलिफ लोगों से शहर में देहात में तो वो कहते हैं कि जो पीटीआई का वोट बैंक है जो इनका अपना वोट बैंक है वो कोई उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ ये नहीं कि कोई बहुत मेजर तरीके से उनके वोट बैंक में कमी आई हो आप भी जानते हैं पंजाब की सिचुएशन को आप क्या फरमाएंगे देखें एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि वोट जो है आ, इंटेक्ट है लेकिन उसमें कमी जरूर नौ मई के वाक़ में किसी हद तक उनमें थोड़ी बहुत कमी आई होगी लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि उनका वोट इंटैक्ट है लेकिन असल बात यह है कि वोट अगर है तो वोट किसी ने ले जाके इलेक्शन वाले दिन जब तक वो बैलेट पेपर जी। आ, वो नहीं चला जाता बैलेट बॉक्स में तो उस वक्त जितना मर्जी कोई पॉपुलर्ट हो कितना मर्जी वोट इंटैक्ट हो तो वो कैसे उसका जो है बेनिफिट जो है वो नहीं हो सकता जी वो एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि जो लोग भी पार्टी आफ्टर ऑल वो इलेक्टेबल थे उनके अपने वोट थे मैं सिर्फ अपने चूंकि हर हर चूंकि मेरा हर कंस्टिट्यूएंसी में पूरा मुतालिया है यूनियन काउंसिल तक पूरे पंजाब में तो मैं सिर्फ अपने हलके की आपको बात करता हूं कि मेरे हलके में जो जहां मेरा आबाई गांव है उसमें जनेद अनवार साहब जो वो नून के कैंडिडेट होते हैं और चौधरी इशफाक साहब हमेशा जो हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट जो हैं पिछले इलेक्शन में थे और एक लाख से ज़्यादा वोट उन्होंने लिया था तो अब बड़ी दिलचस्प मेरे सामने जो सूरत हाल आई है मैंने पीटीआई के लोगों से पूछा कि भाई आपको किस तरीके से इस जो है उनकी शमूलियत जो है उसको आईपी में कैसे देखते हैं तो दिस व शॉकिंग मी कि उन्होंने मुझे ये कहा कि हम जुनेद अनोार को वोट दे देंगे इनको वोट जो है वो नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि इस किस्म का रिएक्शन आपने पहले भी देखा आया है जब 20 सीटों पे जो है वो बाई इलेक्शन जो है हुए थे जिन लोगों ने हमजा शहबाज को वोट दिया था तो उसमें आपने देखा कि सिर्फ चार सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत चुकी थी उसकी वजह ये नहीं थी कि इमरान खान की पॉपुलर्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी उसकी बड़ी वजह ये थी कि उन हलकों में नून के जो लोग थे जो वहाँ पर पोटेंशियल कैंडिडेट थे उन्होंने भी इनको एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिक्स जो है ये भी एक बड़ी हालात बदलते पता भी नहीं लगता लेकिन मैं समझता हूँ कि जो है, जो है बा, बा, इससे यकीनी तौर पर ये जो नई पार्टी बनी है उससे मुस्लिम लीग नून जो है उसको फायदा पहुंचा है उसको फायदा पहुंचा है दिलचस्प बात है जी हम ब्रेक ले के बाद हम वापस आएंगे चौधरी साहब के पास और उनसे कुछ और बातें करेंगे जो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल है और वेलकम बैक नाजीन हमारे साथ फॉर्मर गवर्नर पंजाब चौधरी चौधरी ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब के आने से पीएमएलएन को भी बहुत फायदा होगा या आपको लगता है कि पीटीआई का जो वोटर है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं करेगा देखें पीटीआई का जो वोटर है उसमें जब कैंडिडेट नहीं आएंगे देखें एक जो हमारी मुल्क की सियासत है उसमें एक पार्टियों का अपना वोट होता है लेकिन वो पार्टियों का वोट इतना नहीं होता कि वो आ, जो है अपने वोट जो है अगर उसका ना हो तो वो जी सके उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने पार्टियों को तंजीम नहीं बनाई है पार्टियों के इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया है जो पार्टी मैं तहरीक इंसाफ को बनाना चाहता था एक साल मैं उसका ऑर्गेनाइजर रहा अगर वो पार्टी बनी होती तो कोई इलेक्टेबल जो है सोच भी नहीं सकता जरूरत भी नहीं कर सकता था अगर पार्टी जहाँ पर मजबूत होती है तो वहाँ तो फिर जिसको मर्जी आप खड़ा कर पार्टी की एक तंजीम होती है और तनजीम जो है वो फैसले करती है और फिर क्यों बरतानिया में कैंडिडेट का कोई फर्क नहीं पड़ता कोई ऐसे कैंडिडेट भी आ जाते हैं जिन्होंने कभी हल्के में गए ही नहीं होते हैं लेकिन चूंकि वहाँ पर तंजीम होती है वहाँ पर वर्कर्स होते हैं कारकुन होते हैं वो मेहनत करते हैं वो कंपेन करते हैं तो पार्टी जो है वो नहीं बनी है तो लेकिन जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने से ताल्लक है यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग मून को उससे जो है वो फायदा जो है वो पहुँचेगा चोल साहब ये बताइए कि 2017 में तो अब सब कह चुके हैं जनल बाजवा भी कह चुके हैं, एक्नॉलेज कर चुके और मतलब हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि उधर एक सॉफ्टकू हुआ था अगेंस्ट नवाज शरीफ साहब तो आपको लग रहा है कि जो उनका वोट उस वक्त तब्दील किया गया था वो योर रीडिंग क्या है कि वो वोट वापस जाएगा नवाज शरीफ साहब के पास या वो आ, आप ठीक कह रहे हैं कि उसको वोट अगर सपोर्ट है भी फॉर तो उनको ट्रांसलेट करना इनटू वोट्स इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी अगर मशीनरी नहीं ऑन द ग्राउंड बट फिर भी आपको क्या लगता है कि वो वाली जो थी डायनेमिक प्रो नवाज शरीफ साहब टू की क्या वो वापस उसी तरीके से लौटेगी या आ, कुछ उन्नीस बीस का फ़र्क होगा लेकिन मेरे अपने ख्याल में इस इलेक्शन में टर्नआउट जो है वो पहले की नस्बत जो है मेरे ख़्याल में वो कम जो है वो होगी डिपेंड करता है कि अगर वहाँ पर पी टी आई का कैंडिडेट जो है वो नहीं है तो जाहिर है कि फिर पी टी आई का वोट जो है वो बहुत इलेक्शन में वोट देने के लिए वो नहीं निकलेगा उसका भी बेनिफिट जो है वो हर सूरत में मुस्लिम लीग नून को पंजाब में जाएगा और साउथ पंजाब में उससे पीपल्स पार्टी और आ, मुस्लिम लीग दोनों जमातों को जाता है तो अभी तो बहुत सी चीज़ें जो हैं प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है ये अभी तक किसी को नहीं मालूम कि सीट एडजस्टमेंट होनी है पीपल्स पार्टी की नून की नहीं होनी है हमारी सीट एडजस्टमेंट होनी है या आ, नहीं होनी है तो ये बहुत से सवाल जो हैं वो उनका जवाब नहीं दिया जा सकता जब तक पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं होती लेकिन अच्छा। एक बात ये भी है कि चूंकि पीडीएम एक साल से बरसाकदार है और महंगाई जो है उसने लोगों की कमर तोड़ दी है और बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लोगों को दो वक्त की रोटी मिलना जो है वो मुश्किल हो गई है टेक्सटाइल मिलने बंद हो गए हैं बिजनेस जो हैं वो बहुत मुश्किल सूरत हाल में हैं डॉलर जो है वो तीन सौ रुपए का चला गया है तो ये सारी चीज़ें जो हैं जाहिर है कि ये जब भी आप हुकूमत में होते हैं और महंगाई बहुत ज्यादा होती है मीशत जो है वो बहुत मुश्किल में होती है तो उस वक्त जो हुकूमत इलेक्शन लड़ती है तो उसमें भी मुश्किल जो हैं वो लेकिन है तो चौधरी तो साहब तो सारे तो, तो, सारे तो हकुमत में बैठे हैं। कौन मैदान जीतेगा बड़ा सारे तो हुत में बैठे हैं तो इस वजह से ये वो वाली आपकी नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है आपको दिखाई देता है कि ऑपोजिशन में कोई पीटीआई नजर आ रही है आपको आपको इन नेक्स्ट इलेक्शंस या लग रहा है नहीं होगी देखें अभी तो डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है, है ये मुस्तकबिल जो है वो क्या है आपकी क्या, क्या असेसमेंट है वो क्या होगी आपकी क्या असेसमेंट है जी यू आर वाचिंग कहना situation? जी पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं जी दुनिया की किसी भी सियासत में आप साल पहले छः महीने पहले चीज़ों को प्रेडिक्ट कर देते हैं लेकिन पाकिस्तान में किसी चीज़ को भी प्रेडिक्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल है किसी वक्त कुछ भी यहाँ पर जो है हो सकता है डिपेंड करता है कि मुस्लिम लीग जो है किस तरीके से अगला इलेक्शन जो है वो उसमें जाती है कौन से बयानी के साथ जाती है और ये भी डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस हद तक वो मैदान में रह सकती है कितने के उनके कैंडिडेट जो हैं वो उनके साथ जो हैं वो खड़े रहेंगे बहुत से कैंडिडेट जो हैं मुश्किल वक़्त में बहुत से लोग जो हैं वो पार्टी सेलीहदगी इख्तियार कर रहे हैं पार्टी को छोड़ रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर, पर पाकिस्तान तहरीक इसाफ़ के लिए बहुत मुश्किल जो है सूरत हाल ये, ये बताइएगा कि आप बहसी चीफ ऑर्गेनाइजर और वन की पर्सन नाउ इन द पार्टी आपको क्या लगता है कि आप लोग अगले इलेक्शंस में क्यू एन और पीपीपी का इतिहाद होता नजर आ रहा है आपको सीट एडजस्टमेंट इन तीनों जी मैंने पहले भी अर्ज किया चूंकि हमारे पीडीएम में दो हमारे मिनिस्टर हैं चीमा साहब और खालिक साहब उनकी ही प्राइम मिनिस्टर से उन लोगों से या पीपल्स पार्टी उनको पता होगा तो मैं तो सिर्फ एक दफ़ा अपना जो है वो मुलाकात तो हुई थी सफली जरदारी साहब से और उसमें भी कोई इलेक्शन की स्ट्रेटजी या सीट एडजस्टमेंट पे कोई बात जो है वो नहीं हुई थी अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया चौक से बात करने का नाजिन इसी पर प्रोग्राम खत्म करते हैं